प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड से 3 किलोमीटर दूर गोतमेश्वर में है। गोतमेश्वर धाम एक पवित्र धाम है, इसे आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से लोगों को अपने पाप से मुक्ति मिलती है। ये पाप जाने अनजाने में जो भी हुए हैं उनसे यहाँ पर स्नान करने के बाद मुक्ति लेने का ये तालाब एक माध्यम है, ये कुंड एक माध्यम है। इस कुंड में स्नान कर लोग अपने आप को पाप मुक्त कर लेते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि आखिर इस कुंड की इतनी मान्यता क्यों है और क्यों लोग यहाँ पर आते हैं। हजारों लाखों की संख्या में आज तक लोग यहाँ आके स्नान कर चुके हैं और यहाँ लिखित रूप से प्रमाण पत्र दिया गया है कि अब ये लोग पाप मुक्त हो चुके हैं। इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान त्रेता युग में महर्षि संघ का तपोस्थल रहा है, जिनके तप व प्रताप से स्वयं गंगा मैया मंदाकिनी यहाँ पर अवतरित हुई। तो दिनेश जी, आपके साथ कितने लोग आए हैं यहाँ पर और आपके क्षेत्र में से और कितने लोग यहाँ पर आते हैं? क्या ये लोग हर वर्ष आते हैं? थोड़ा आप इस बारे में और जानकारी दें। हमारे लाल साथ अभी तो 50 लोग हैं, हमारे हर साल आना जाना रहता है, हर वर्ष आना जाना रहता है। जैसे एक गांव से 50 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी जो 7 दिवसीय मेला आयोजित होगा इसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इस पवित्र कुंड में स्नान कर अपने आप को पाप मुक्त करेंगे। जिला डूंगरपुर तहसील सागवारा सामलियागढ़ के गांव है, तेरे गांव में से मैं आया हूँ। आपकी कोई मन्नत होगी, वो मन्नत आपको पूरी करना है। ये जो अभी आप आए देख रहे थे यहाँ पे मंदाकिनी गंगा कुंड, ये प्राचीन काल में महर्षि संघ का तपोस्थल रहा था और महर्षि संघ की तपस्या के प्रताप से यहाँ पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था। उसके पश्चात न्याय शास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम को गोहत्या का दोष लगा था, जिसके उपरांत उन्होंने विश्व भर में भारत में भ्रमण किया, लेकिन उनको कहीं पे भी उस दोष से मुक्ति नहीं मिल पाई। अंत में जब वे यहाँ पे आए, उन्होंने इस कुंड में स्नान किया, तो इस कुंड में स्नान करने के पश्चात उनको गोहत्या के दोष से मुक्ति मिली। तभी से यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से जाने अनजाने में अपन से जो भी पाप दोष होते हैं उन दोषों से अपन को मुक्ति मिलती है। और वर्तमान समय में यहाँ से एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, जिसे दोष मुक्ति प्रमाण पत्र कहा जाता है। सामाजिक उसकी विशेषता यह है कि उससे गांव में आजकल कहीं पे ऐसा होता है जैसे किसी से कोई पाप हो जाता है तो उसको गांव से निकाल देते हैं, तो यहाँ से वो स्नान करता है, उसकी पूजन वगैरह करने के पश्चात उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिससे समाज में उसको वापस लिया जाए। बीच में ऐसा विषय भी आया था, लोगों द्वारा ऐसी भ्रांति भी फैलाई गई इस प्रमाण पत्र के बारे में कि कैसे कोई पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र किसी को दे सकता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है दोष मुक्ति प्रमाण पत्र का कि किसी व्यक्ति को सामाजिक प्रताड़ना से एक प्रकार से बचाया जा सके, ऐसी व्यवस्था समाज के द्वारा की गई थी। यहाँ ट्रस्ट के द्वारा वो दोष मुक्ति प्रमाण पत्र उसको सामाजिक प्रताड़ना से बचाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे वैशाख के महीने में पूर्णिमा को मेला भी लगता है। और जो विषय था महर्षि गौतम, इसके पश्चात यहाँ से पाप मुक्ति के पश्चात उन्होंने नीचे तपस्या करी थी, तो वो गोतमेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है वो किसी का बिठाया हुआ या किसी के द्वारा स्थापना की गई ऐसा नहीं है। ये जो शिवलिंग है, जब तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान में गौतम ऋषि ने अपने लिए एक स्वयंभू शिवलिंग मांगा था, तब ये गोतमेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है अपने आप जमीन में से प्रकट हुआ। उसके पश्चात बाद में जैसे मुगलों द्वारा अपने हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ने के पूरे भारतवर्ष में प्रयास किए गए, उसमें मोहम्मद गजनवी के सेनापति ने यहाँ पे भी आक्रमण किया था, तो उसने मंदिर में जो गोतमेश्वर महादेव का शिवलिंग है उसके ऊपर गण चलाए थे, पत्थर के गण आते हैं वो चलाए, तो उसमें शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया तो शिवलिंग खंडित कर दी उसने। तो शिवलिंग में से पहले पंचतत्व वगैरह निकले, दूध दही शहद निकले, उसके पश्चात उसमें से मधुमक्खियां निकली थी और उसकी पूरी सेना को यहीं पे समाप्त कर दिया था। इसके उपरांत उसने यही क्षमा मांगी महादेव जी से और मंदिर का निर्माण उसी ने करवाया था, तो लगभग बाहर मंदिर अभी भी थोड़ा मस्जिद जैसा बना हुआ है और एक शिलालेख भी लगवाया उसने मंदिर के बाहर कि यदि कोई हिंदू आक्रमण करता है तो उसको गाय की कसम और कोई मुस्लिम आक्रमण करता है तो उसको सुअर की कसम। उसके बाद में जैसे अपने हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि खंडित मूर्ति की अपन पूजन नहीं करते हैं, तो ऐसा विषय आया तब जब यहाँ प्रतापगढ़ के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि इस मूर्ति को खुदवा के अपन कहीं प्रवेश करवा दें। जब उन्होंने ऐसा प्रयास किया, जैसे इस मूर्ति की खुदाई करी तो लगभग 100 हाथ तक खुदाई करने के पश्चात भी इसका अंत नहीं आया और नीचे आकार बढ़ता गया, तब उन्होंने फिर यहाँ पे क्षमा मांग के इसकी स्थापना करवा दी और तब से यहाँ पे गोतमेश्वर में खंडित मूर्ति की पूजन की जाती है।
इस स्थान से पाप दोष मुक्त प्रमाण पत्र लाखों की तादाद में दिए जा चुके हैं अभी तक।